मुशायरत कहते हैं दौड़ने को, मुशायरत कहते हैं दूसरे से आगे बढ़ने को। और यहां कुरान की आयत बता रही है कि आगे बढ़ने का हुक्म है, लेकिन किसमें? अपने रब की मगफिरत की तरफ दौड़ने में और जन्नत को पाने में। और जन्नत को पाने के लिए हमें जन्नत जैसे काम करना पड़ेंगे। मर्डर करके जन्नत नहीं मिलेगी, धोखा देकर रोजी कमाने में जन्नत नहीं मिलेगी, दुकान पर बैठकर दिन भर 3-5 करते रहो, झूठ बोलते रहो, 100 का माल 500 में बेचते रहो, कहते रहो कि अल्लाह की कसम 50 रुपए तो बच रहे हैं, क्या 50 रुपए भी हम आपसे नहीं कमाएंगे तो क्या? दिन भर ये सब बहानेबाजियां करते रहो तो ऐसे जन्नत नहीं। आगे बढ़ने का एक मतलब यह है कि जैसे ही नेकी का ख्याल आपके दिमाग में और आपके जहन में आए, फौरन उस नेकी को उसी वक्त कर जाइए, उसको टाल मटोल मत कीजिए। अभी नेकी का काम करने का जज्बा आपके अंदर पैदा हुआ है, अच्छा ठीक है, ये फला गरीब आदमी है, अच्छा उसका बेटा बीमार है, उसको जरूरत है, अच्छा ये हम 2000 रुपया उसको देंगे, ठीक है आपने नियत की, अब कर ली तो जल्दी करो, क्योंकि शाम तक पता नहीं कौन से हालात पेश आ जाए। और शैतान की खून की रगों में दौड़ रहा है, कहीं आपका इरादा पलट न जाए, बदल न जाए। अगर बदल गया तो फिर आप इस नेक काम को नहीं कर पाएंगे, बल्कि अभी जो ख्याल आपके दिमाग में आया है आप उस काम को अभी ही कर गुजरी हैं, और इस नेक काम को करके आप मगफिरत की तरफ आगे बढ़ जाइए और जन्नत की तरफ आगे बढ़ जाइए। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़ते हैं, हजरत बिलाल इकामत कह देते हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। नबी अकरम अपने हुजरे से निकलते हैं, सीधे मुसल्ले इमामत पर जाते हैं, आप खड़े हैं मुसल्ले इमामत पर, या इकामत पूरी होती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, यहां इकामत जैसी मुकम्मल होती है वैसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से फरमाते हैं, इस्तऊ सुफूफकुम, अपनी सफ़े दुरुस्त कर लो, अपनी अपनी सफ़े सही कर लो। सहाबा अभी सफ़े दुरुस्त ही कर रहे थे, अभी एक दूसरे से कदम और टखने से टखना मिला ही रहे थे, इतने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई चीज याद आ गई और आपने नमाज नहीं पढ़ाई। गौर करना, इमामत के लिए आगे बढ़ चुके हैं, मुसल्ले पर खड़े हो चुके हैं, मस्जिद में दाखिल हो चुके हैं, आप आगे भी बढ़ चुके हैं, सहाबा किराम आपके पीछे लग चुके हैं, इकामत पूरी हुई, आपने फरमाया सफ़े दुरुस्त कर लो, लेकिन अचानक जहन में कोई ख्याल आता है, आपने सहाबा से कहा रुक जाओ मैं अभी आ रहा हूं, आपने सहाबा